नंबर चार की परेशानी से जूझ रही है टीम इंडिया। गावस्कर ने दिया टीम इंडिया को ये बड़ा आइडिया। मैच के बीच ही शुरू कर दिया ये बड़ा शो। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। ये तो अब जग जाहिर हो गया है कि टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी परेशानी नंबर चार की है। नंबर चार ने कोहली कोच सेलेक्टर्स को इतना परेशान किया हुआ है कि कई खिलाड़ियों को आजमाने के बाद भी ना तो कोई हल निकला है और ना ही जल्द निकलने की उम्मीद लग रही है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से टीम इंडिया पंत को खेवनहार मानकर लगातार नंबर चार पर मौके दिए जा रही है और पंत अपने उसी अंदाज में आते हैं और विपक्षी टीम को अपना चेहरा दिखाकर चले जाते हैं। पंत के इस रवैये से एक तरफ जहां कई दिग्गजों के सब्र का बांध टूट रहा है तो वहीं दूसरी तरफ फैंस परेशान हैं। लेकिन अफ्रीका के खिलाफ जब मैदान पर पंत और अय्यर खेल रहे थे तब कमेंट्री कर रहे सुनील गावस्कर ने नंबर चार की परेशानी का हल निकालने की कोशिश की। गावस्कर ने मैच के दौरान ही टीवी के पॉपुलर शो कौन बनेगा करोड़पति के अंदाज में इस समस्या का हल निकालने की कोशिश की। कमेंट्री बॉक्स में गावस्कर हर्षा भोगले के साथ केबीसी खेलने लगे। मजेदार बात ये थी कि इस दौरान हर्षा भोगले ने अमिताभ बच्चन की तरह आवाज निकालने की कोशिश करते हुए सवाल पूछा कि वर्तमान में कौन सा बल्लेबाज नंबर चार के लिए अपना दावा पेश कर सकता है, जिस पर गावस्कर ने कहा कि यह सवाल केबीसी में एक अच्छा सवाल हो सकता है। सवाल था कि इनमें से कौन भारत के लिए नंबर चार पर खेल सकता है। आपके पास चार विकल्प हैं, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे या केएल राहुल। वैसे सवाल भी वाजिब है, एक तरफ पंत को लगातार मौके दिए जा रहे हैं तो केएल राहुल भी नंबर चार पर कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, तो अय्यर को भी मौके तो दिए जा रहे हैं लेकिन अय्यर भी मौकों का फायदा उठाने में अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। मनीष पांडे ने जरूर कुछ अच्छी पारियां खेली हैं। वैसे कुछ फैंस का कहना है कि सुरेश रैना को वापस लाना चाहिए, वो नंबर चार पर सबसे बेहतर हैं। तो कुछ फैंस नंबर चार पर धोनी की मांग कर रहे हैं। वैसे ये एक तरह से सही भी है क्योंकि धोनी या फिर रैना दोनों ही टीम इंडिया के सबसे अनुभवी बल्लेबाजों में से एक हैं और कई बुरे वक्त में टीम के काम भी आए हैं, तो ऐसे में टीम को नंबर चार पर मंथन करने की जरूरत है और आने वाले एशिया कप और T20 विश्व कप से पहले टीम इंडिया के लिए नंबर चार का एक भविष्य के लिए खिलाड़ी चुनना जरूरी है जो आने वाले समय में टीम इंडिया का बेहतर भविष्य हो सके, खासकर जो अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेना जानता हो। लेकिन पंत की लगातार खराब फॉर्म ने उनकी समस्या को और बढ़ा दिया है। पहले से ही उन पर कोच चयनकर्ताओं का अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव था, ऐसे में एक बार फिर खुद को साबित न कर पाना पंत को महंगा पड़ सकता है। देखना होगा कि क्या आने वाले मैचों में पंत को मौका मिलता है या फिर किसी दूसरे खिलाड़ी को मौका दिया जाता है। क्रिकेट से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।